दर्द दे के दर्द के बढ़ावल ना जला, दर्द दे के दर्द के बढ़ावल ना जला, दीप जरा के दीप के बुझावल ना जला। प्यार कितनो होई लेकिन बेगाना ना होई, प्यार कितनो होई लेकिन बेगाना ना होई, दिल में बैठा के दिल से हटावल ना जला। रउवा बहरा में जाके बस गईनी, रउवा बहरा में जाके बस गईनी, ना जाने केकरा नजरिया में धस गईनी। कवन मजा नहीं खे रोआ ऐसन खोआ में, कवन मजा नहीं खे रोआ ऐसन खोआ में, लगता रउआ कौनो सौतीनिया के बाह में जाके फंस। अब उसे कहा तरी रउआ घर आ जाए, हाय गर्मी के दिन बा जब जब पसीना हमरे चोली से पास। दोस्तों आप देख रहे हैं टार्जन 24 न्यूज़। अभी हम लोग मौजूद हैं जो कि रानी एक्टर के पास, जिनका वीडियो आजकल सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। वायरल होने का पीछे क्या है आप सभी बहुत अच्छा तरीका से जानते हैं, लेकिन जितने हमारे दर्शक हैं उनको हम बता देते हैं। ये जो हमारे साथ अभी जो लड़की है इनका नाम है रानी, और इनका जो कि ज़्यादातर स्टेज प्रोग्राम जो कि अरविंद सिंह अभियंता के साथ चलता है, और ज़्यादातर इनका वीडियो वहीं से वायरल होता है। ऐसे आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार प्रणाम। ताजन 24 न्यूज़ की तरफ से जितने दर्शक और जितने भोजपुरी समाज के लोग हमें देख रहे हैं उनको मैं गोड़ छू के गोड़ लग रही हूँ। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। अच्छा एक बात बताइए, सभी लोग जो कि आर्केस्ट्रा में डांस करते हैं, सभी लोग नाचते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर इतना तेज़ी से आप वायरल हो रही है, इसका वजह क्या है हम आप ही के मुँह से सुनना चाहती है और हमारे दर्शक भी सुनना चाहती है। बस ये भोजपुरी समाज का प्यार है, भोजपुरी समाज मुझे इतना सपोर्ट कर रही है, इतना प्यार आशीर्वाद दे रही हैं। बस यही प्यार दुलार है कि हम आगे भी अपनी मेहनत ऐसे ही लगन लगाते रहेंगे और आप लोग का प्यार पाते रहेंगे, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन हम आपका कुछ वीडियो दुगोला देखे, बहुत सारे हमारे दर्शक जो होंगे जो अरविंद सिंह अभियंता का दुगोला नहीं देखे हैं, तो आप एक बार जाकर अरविंद सिंह अभियंता का दुगोला देखिएगा। लेकिन अभी नहीं, अभी इंटरव्यू देखिए इनका, जो कि वीडियो में अरविंद सिंह अभियंता के साथ जो कि शायरी बोलती है, बहुत अच्छा अच्छा शायरी जो कि आप सुनेंगे तो आपको हटने का मन नहीं करेगा। तो चलिए हम वही शायरी आज हम इस इंटरव्यू में जो कि सुनवाने वाले, तो सबसे पहले हमारे दर्शक को वो शायरी सुनाइए जो अक्सर आप जनता के लिए मतलब कि सबसे पहले स्टेज पर बोलती है। कि ए राजा जी रवा तो परदेसे बानी, रवा रुपया पैसा खातिर नू परदेसे रहता नहीं, हमारा रुपया पैसा ना चाहिए, हमारा सोना चांदी भी ना चाहिए, रवा हमारा आँखी के सोझा रहम नू हमार कुल सिंगार पूरा वे राजा जी। अब उसे कहा तनी रउआ घर आ जाए, हाय गर्मी के दिन बा जब जब पसीना हमरे चोली से पार हो तनु, लागता कि हमार रुआ खाड़ हो जाए। तो उनके साथ हम एक शायरी बोलते हैं कि रउआ बहरा में जाके बस गईनी, रउआ बहरा में जाके बस गईनी, ना जाने केकरा नजरिया में धस गईनी। कवन मजा नहीं खे रुआ ऐसन खोआ में, कवन मजा नहीं खे रोआ ऐसन खोआ में, लगता रहुआ कौनो सौतीनिया के बाह में जाके फंस गई। अच्छा एक बात बताइए, हम बहुत कन्फ्यूजन में रहते हैं, हमारे दर्शक भी बहुत कन्फ्यूजन में रहती है कि जैसे आप मतलब हम सुने मुंबई से आप बिलोंग करती है, तो मुंबई से आकर इतना अच्छा भोजपुरी और इतना अच्छा जो शायरी, और वो भी मतलब कि हर क्षेत्र का मतलब आप शायरी बोल लेती है, कैसे संभव हो जाता है जी? ये जो भोजपुरी चीज़ है, भाषा है, इसको मैंने सीखा है। अच्छा। मैंने हर एक वर्ड कहते हैं लिख कर, याद करके, पूछ कर, चाहे वो गाने के माध्यम से हो चाहे बोल के माध्यम से हो। हम स्टार्टिंग में जब यहाँ आए थे हम भोजपुरी नहीं जानते थे, तो हम पूछते थे अनिल जी से कि इसका मतलब, लोग हमको गाली भी देकर चले जाते थे भोजपुरी में। अच्छा। अक्सर ऑडियंस के बीच में हर कलाकार को ये झेलना पड़ता है कि कुछ लोग दुर्व्यवहार करते हैं, जो तो होता है कि कोई गाली देकर चला गया, कोई गलत शब्द बोल के चला गया। अब जिसको समझ में आएगा तो वो समझेगा, मुझे तो समझ आता नहीं था। तो मैं इनसे घर पे आके जो गाली देता उसको याद करती थी या इनसे पूछती थी कि इसका मतलब क्या होता है, तो वो भी हंसते थे और बोलते थे आज के बाद कभी बोलना नहीं, ये सब गाली है, ये कभी तो कहीं ना कहीं आपको ये सब सीखने के लिए जो कि अनिल जी भी काफ़ी हेल्प किए, जो आपके मैनेजर हैं, और उनको भी मतलब कि काफ़ी सपोर्ट रहा आपको आगे बढ़ाने में। तो ऐसा देखने में आपको लगता है कि अगर आप भी मतलब बहुत सारे ऐसे कलाकार होंगे जो आपके तरह, वो भी आपको देख कर सोचते होंगे जब आप एक साथ प्रोग्राम करने जाती है, तो आपका जो रेट, आपका जो रहन सहन, आपका जो मतलब कि स्टार्टअप, जो मतलब कि बहुत सारा आपका अलग व्यवस्था मिलता होगा, तो वो भी सोचते होंगे कि आखिर मेरा इतना क्यों कम है।
जी ये तो है, लेकिन सबके अंदर अपनी अपनी मेहनत है। थोड़ा अजीब भी लगता है कि सारे कलाकार को एक जगह रखा है, मुझे स्पेशल रूम में खाना अलग से, हर चीज़ अलग से, तो थोड़ा अजीब लगता भी है। लेकिन मैं चाहती हूँ मैं सबसे जुड़ के रहूँ। अच्छा, मेरी चाहे जितने भी कलीग्स हो, डांसर मेरी पार्टनर्स हो, चाहे जो भी हो, हम सबसे मिलजुल कर रहना चाहते हैं। अच्छा लगता है एक साथ रहना, क्योंकि हम एक टीम के लिए काम करने गए हैं। तो मेरा यही फर्ज है कि हम एक टीम बना कर रखें, उसमें ना किसी के साथ झगड़ा हो, ना कोई बोल चाल हो। हम जो है अपनी मेहनत से हैं, भगवान करे कि वो लोग भी उतनी मेहनत करें, एक ना एक दिन वो लोग का भी नाम आगे जाएगा। तो मैं यही सोचती हूँ कि कब कौन, ये भोजपुरी माटी ऐसी जगह है कि आप एक जीरो से हीरो बना देते हैं लोगों को। तो मैं यही सोचती हूँ कि कब कौन स्टार बन जाएगा, इसका कोई भरोसा नहीं, तो इसलिए सबसे मिल के चलो। अच्छा रानी जी, आपका जितना वीडियो सोशल मीडिया पर तमाम वायरल हो रहा है, तो बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं जो कि हमारे वीडियो में कमेंट भी करते हैं कि सुन रहे हैं कि मतलब कि आपका जो कि मतलब कि शादी को लेकर बिहार में ऐसा प्रोग्राम है, तो इसका क्या खुलासा करिएगा? उसका मैं यही कहना चाहूँगी, अभी फिलहाल मैं तो करियर पे ध्यान दे रही हूँ, आगे काम करना है, आगे इसमें नाम बनाना है, क्योंकि मुंबई जैसे क्षेत्र में डांस के साथ साथ पढ़ाई भी आपका चलता है क्या? जी जी, तो ग्रेजुएशन नेक्स्ट ईयर मेरा कंप्लीट हो जाएगा, सेकेंड ईयर कंप्लीट हो चुका है। तो जो भोजपुरी का एक चीज़ है ना, हम चाहते हैं कि हम किसी भी क्षेत्र में जाए, चाहे इंटरनेशनल या डोमेस्टिक, तो लोग मुझे भोजपुरिया रानी के नाम से पहचाने। अच्छा, यार ये तो भोजपुरी की रानी है, ये तो भोजपुरी गाने पे डांस करती है, इनका गाना हम देखते हैं, और चाहे मेरी शायरी भी लोग सुनते हैं। तो अभी भी मैं स्टेज पर यहाँ जाती हूँ तो लोग प्यार देते हैं, बोलते हैं मैडम एक शायरी बोल दीजिए ना, बहुत अच्छा लगता है आपके मुँह से शायरी सुनना, बातें सुनना। हम जब चैलेंज करते हैं, माइक उठाते हैं, वैसे बोलते हैं कि जमकौला से होई नानू, पावर यही जैसे शुरू होला यही जखत। तो अच्छा, ये तो अपने अपोजिट के लिए सब बातें होता है का, मतलब ज़्यादा तो इस समय आंकड़ा उखड़ा चल रहा है, तो इसी यही सब ना? जी जी, और तो पब्लिक बहुत खुश हो जाता होगा, चिल्लाने लगती है। और पब्लिक के लिए जब शायरी बोलते हैं कि मेरे नाजुक से दिल को आप लोग ने धड़काना सिखा दिया, मेरे नाजुक से दिल को आप लोग ने धड़काना सिखा दिया, जब से मिला है आप लोग का प्यार और आशीर्वाद, जब से मिला है मेरी जनता का प्यार और आशीर्वाद, यार आप लोग ने तो मुझे गम में भी मुस्कुराना सिखा दिया। बहुत अच्छा, देख सकते हैं दोस्तों कहीं ना कहीं ये सब जो बातें आज बोल रही भोजपुरी में, समझिए कि बहुत मेहनत, बहुत कठिन परिश्रम के बाद अगर आप किसी भी काम में लगिए और वो काम को सोच लीजिए कि हम करके दिखाएंगे, तो आप उसमें 100% सफल होगा। जी, एक इंग्लिश में भी कहावत है जिसको कहा, एजुकेशन इज अ बेस्ट की ऑफ अ सक्सेस। एजुकेशन की एक ऐसी चाबी है जो आपको सक्सेस बनाने में सबसे आगे है। तो और एक और कहते हैं, इफ यू बिलीव इन योर सेल्फ, इफ यू बिलीव इन योर सेल्फ एवरीथिंग इज पॉसिबल, कि आप अपने ऊपर भरोसा करेंगे तो आप कुछ भी कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी फील्ड हो। तो एजुकेटेड हुई और साथ में जब इस लाइन में लगी तो मैंने चाहा कि कुछ मैं अलग करूँ, लोग जो कर रहे हैं वही नहीं करूँ। मैंने शेरो शायरी स्टार्ट कर दिया गाने के बीच में, चाहे वो बड़े बड़े सिंगर क्यों ना हो, उनके बीच में मैं शायरी बोलने लगती हूँ, तो पब्लिक उसको बहुत अट्रैक्ट करती है वो चीज़, और पसंद आती है। लोग वीडियो बना बना के उस पर रील बनाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। आप लोग का प्यार जब मिलता है कि यार मेरे ऑडियो पर आप लोग रील्स बनाते हैं या वीडियो बनाते हैं, वीडियो चढ़ाते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा एक बात बताइए, बहुत सारे आपका शायरी है ठीक ना, हम चाहेंगे तो हमारे दर्शकों को एक दो शायरी मतलब कि सुनाइए, बहुत अच्छा अच्छा जो आपको मतलब कि पसंद। जी सबसे ज्यादा जी सुना देती हूँ। ना चांद की चाहत है ना तारों की फरमाइश, ना चांद की चाहत है ना तारों की फरमाइश, हर जन्म में जनता का प्यार मिले, हर जन्म में जनता का प्यार मिले, बस यही है मेरी ख्वाहिश। और एक कोई हमारे दर्शकों को सुनाई शायरी, चाहे अब झगड़ा होई आ चाहे मार होई, चाहे अब झगड़ा होई चाहे मार होई, ए हमार जनता है हमार दर्शक लोग, अब तो लागत है कि रउए लोग से प्यार होई। दर्द के बढ़ावल ना जला, दर्द दे के दर्द के बढ़ावल ना जला, दीप जरा के दीप के बुझावल ना जला, प्यार कितनो होई लेकिन बेगाना ना होई, प्यार कितनो होई लेकिन बेगाना ना होई, दिल में बैठा के दिल से हटावल ना जला। तो दोस्तों इसी शायरी के साथ आज हम अपना इंटरव्यू करते हैं, एंड हमें आशा ना पूर्ण विश्वास है कि हमारा इंटरव्यू ये जो दर्शकों को बहुत पसंद आएगा, और बहुत सारा जो कि पिछले वीडियो से ज़्यादा इस वीडियो में प्यार देंगे। तो वीडियो के यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।